सर रेखा को मिस करते हैं तो वो तो वही बता सकते हैं। 24 घंटे। लखनऊ के कैसरबाग के इलाके में इतने शोर शराबे के बीच में एक शांत जगह है जिसका नाम कोटवारा हाउस, जिसके बारे में अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको इतिहास और भूगोल सब पता लग जाएगा। लेकिन मैं कोटवारा हाउस में जिनसे मिलने आया हूँ वो इस घर की जो शांति है उससे थोड़ा सा और ज़्यादा शांत और ज़्यादा क्रिएटिव पीपल हैं। वी हैव मुजफ्फर अली विद मी, कैन वी हैव वन राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम? थैंक यू। मेरे साथ इस वक्त मुजफ्फर अली एंड मीरा अली दोनों मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूँ, इतने भीड़ भड़ाके के इलाके में आप इतना क्रिएटिव कैसे सोच लेते हैं? ये डबल शीशे रहे हैं वहाँ पर। सेम अप्लाइज विद यू, हाउ कैन यू बी सो क्रिएटिव इन दिस प्लेस? वेल दैट्स बिकॉज आई डोंट स्टेप आउट। ओके, नाउ आई वॉन्ट टू नो मेनी मोर थिंग्स। फिल्मों की बात करें कि पोएट्री की बात करें, कहाँ से शुरू करें आपसे? हमारा सफ़र तो फिल्मों से शुरू होता है जी, और फिल्में हमारी पोएट्री से जुड़ी हैं और पोएट्री हमारी म्यूज़िक से जुड़ी है, तो ज़ाहिर है फिल्मों की बात भी की जा सकती है। फिल्म तो बहुत बड़ी एक चीज़ है, बहुत बड़ा माध्यम है, मतलब दिल की बात सुनाने का और लोगों को समाज का दर्द महसूस कराने का। तो जितनी मेरी फिल्में हैं वो सब ही अवध में और लखनऊ में बनी हैं, तो फिल्म से ही शुरू करिए। अवध से एक गहरा प्यार है आपको और इस वक्त अवध में बहुत सारी शूटिंग भी चल रही है, डू यू थिंक कि अवध को जस्टिफाई कर पा रही है कोई भी मूवी किसी भी तरह से? देखिए, शूटिंग से थोड़ी फिल्म बनती है, फिल्म तो बनती है मतलब दर्द से जी। जो आदमी उस दर्द को समझता है और उसको दर्शाना चाहता है, उसको शेयर करना चाहता है, उससे फिल्म बनती है, वही यादगार फिल्म होती। लेकिन अच्छा है ये फिल्में बने हैं यहाँ पर, क्योंकि इससे कला मंचती रहती है, लोगों को काम मिलता रहता है, एक लोगों की रोज़ी रोटी चलती रहती है, तो वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत ज़रूरी ये है कि लोग, यहाँ के लोग जो हैं वो फिल्म देखने की तहजीब उनमें पैदा हो, क्योंकि अवध बहुत बड़ी फिल्म की मार्केट भी है। अगर लोगों को लगे कि यहाँ के लोग पहचान रखते हैं अच्छी उभरी फिल्म के बीच में, तो ये मरकज बन जाएगा अच्छी फिल्मों के पैदा होने का। आजकल सिनेमा का पूरा ट्रेंड चेंज हो गया है, पीपल आर नॉट गोइंग आफ्टर मूवी जिसमें बहुत सारे सुपरस्टार्स एक्टर्स हैं, वो लोग स्क्रिप्ट पे बात करते हैं। आपको कोई स्क्रिप्ट अभी रिसेंट टाइम से जो पसंद आई हो? नहीं, मैं तो खुद ही, हम लोग दोनों मिलके स्क्रिप्ट पे काम करते रहते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट एक प्रोसेस है सोचने का और उसमें कई तरीके से देखना पड़ता है कि आज क्या स्क्रिप्ट की जो लैंग्वेज है, जो स्क्रिप्ट की टेक्नोलॉजी है, वो कितनी मॉडर्न होती जा रही है। तो आप, मुझे लगता है अब फिल्म जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो गई हैं। पहले तो हॉल में जाके देखना पड़ता था, अब आप रोज़ शाम को 2-3 घंटे फिल्म को महसूस कर सकते हैं अपने बेडरूम में, आप फिल्म को महसूस कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो फिल्म जो है हैज़ बिकम एवरीबडीज कप ऑफ टी, और फिल्म जो है बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो गई है, पहले यूज़र फ्रेंडली नहीं थी, नाउ इट्स लाइक गेटिंग टू बी मोर एंड मोर यूज़र फ्रेंडली। सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी कीप शार्पनिंग आवर स्किल्स ऑन हाउ फिल्म्स शुड बी डिजाइंड एंड मेड। ओके, योर फेवरेट मूवी इन रीसेंट टाइम्स मैम? दबंग 3 मत बोलिएगा बस। मैंने देखी नहीं अभी तक, एक्चुअली आई हैवंट वॉच्ड हिंदी फिल्म इन अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मुझे नहीं लगता इधर कोई अच्छी फिल्म आई है, और जो है वो मेरे ख्याल से नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। किस तरीके की स्क्रिप्ट आपको अट्रैक्ट करती है? व्हाट स्क्रिप्ट यू फील कि यार इस स्क्रिप्ट में कुछ दम है? आई थिंक थोड़ा सा जो आपको साइकोलॉजिकली चैलेंज करे और एक ऑडियंस की इंटेलिजेंस को चैलेंज करे। एक तो हमारी फिल्में होती हैं जो बिल्कुल ही एकदम बेसिक कॉमन डिनोमिनेटर पे, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर पे चलती हैं, वो आई गई हो जाती हैं, वो एक मिनट के लिए मज़ा आता है, 2-3 उसमें लाफ्स भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर फिल्म को आप दोबारा देख सकें तब उस फिल्म में दम है, और वो फिल्म वही होती है जिसमें आपको लगता है कि हाँ इसकी कहानी ऐसी है कि मुझे इसको इसमें एक चैलेंज मिला।
you know, people are intelligent now. They want to feel engaged. And at the same time, films and fashion go side by side. Your take on that? बिल्कुल, बिकॉज फिल्म से ये आज की बात नहीं है, ये तो मतलब पुरानी बात है. और हॉलीवुड की भी बात है, बॉलीवुड की भी बात है, और भी सब अलग मुल्कों की बात है कि फिल्म में जो एक बार फैशन देख लिया जाता है तो वो इट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. आज तक लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि हमें उमराव जान वाला वो लिबास चाहिए. अब वो जिसने उस वक्त देखी, उनके बच्चों ने भी देख ली, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन ने भी देख ली, लेकिन आज तक वो लिबास चाहिए. इसी तरह और भी बहुत लैंडमार्क फिल्म्स हैं विच हैव क्रिएटेड दैट, बट ऑल फिल्म्स डोंट, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि पीपल पहले बीच में इसको सीरियसली नहीं लेते थे, अब लोगों ने इसको सीरियसली लेना शुरू किया. अब आप देखिए हॉलीवुड की जितनी भी फिल्म्स हैं, कॉस्ट्यूम्स मेक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. कोई एक्ट्रेस या कोई एक्टर जिसका फैशन सेंस आपको बहुत अट्रैक्ट करता हो, लगता है दिस गाइस हैज गॉट समथिंग एल्स? एक्चुअली ऐसे इंटरनेशनली तो बहुत है, इंडिया में मुझे लगता है कि ऑफ स्क्रीन एक तो सोनम इज़ वेरी गुड, दिया मिर्ज़ा इज़ गुड, अदिति हैदरी इज़ गुड, ऐसी काफ़ी लड़कियां हैं हुआ गुड, बहुत सारी अच्छी नई नई लड़कियां भी हैं. सर, उमराव जान की बात छिड़ चुकी है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे उमराव जान की कुछ याद ना पूछी जाए. नहीं, उमराव जान वाज बेसिकली मेड फ्रॉम द सॉइल ऑफ आवर, मेड फ्रॉम द सॉइल ऑफ दिस कल्चर. तो उसमें जो कपड़े आप देखते हैं या जो भी उसका जो माहौल देखते हैं वो इसी मिट्टी का बना हुआ है, तो उसमें कोई अननेचुरल चीज़ नहीं, एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक. तो उसी तरीके से उसका जो पूरा एक कल्चरल एवोल्यूशन, एक स्क्रिप्ट का पूरा डिज़ाइन और प्रोडक्शन डिज़ाइन, इट्स ऑल वेरी बेसिक एंड ऑर्गेनिक. तो यहाँ पर जब मैंने इसको शूट किया तो जाहिर है मुझे लोगों से जुड़ना पड़ा, मतलब लोगों से की चीज़ें लेना पड़ी, लोगों के लोकेशंस लेना पड़े, तो एवरीबडी फेल्ट के ये उन्हीं के बारे में कुछ हो रहा है. तो इस तरीके से उमराव जान वाज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट लैंडमार्क फॉर माई सिनेमैटिक जर्नी. इट इज़ सेड कि कुछ मूवीज़ बस एक माइलस्टोन बन जाती हैं. When you were making, you knew this that Umrao Jaan will be a huge, huge milestone, जो आज तक लोग बार 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 देखते जा रहे हैं. I think somewhere in the middle, I realized के something's going to happen. It will get into people's bloodstream, you know. तो I mean, you can feel that if everything goes well, what you're doing could be iconic, you know. Because I think every day, without Naga, I meet somebody जो हमारा मतलब प्याला लबरेज कर देता है उमराव जान से, एंड इट्स वेरी ग्रेटिफाइंग. मुझे लगता है कि इतने साल के बाद इतना ग्रेटिफिकेशन, मतलब लोग छोटी सी चीज़ कहते हैं, इन्हीं को कोई लंबी दास्तान उससे सुनाते हैं, जुड़ी है, छोटी सी बात कहते हैं लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है और हमेशा अलग बात होती है. सो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग. जैसे कुछ नहीं कोई कहता तो कोई कहता है भाई उमराव जान तो हमारा ओढ़ना बिछोना है, यू नो, दैट सिंपल थिंग्स लाइक दैट विच टच योर कॉर्ड, यू नो. तो कहते हैं कि हमने अपने आप को उमराव जान से पहचाना, हमने कहा आप तो पैदा भी नहीं हुई थी और हमने कहा आप अवध की भी नहीं, आप तो पंजाब की हैं. तो आई थिंक इट कट्स अक्रॉस ऑल बाउंड्रीज, गिव्स अस अ नेशनल कनेक्ट, गिव्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ, वो कैसे हुआ, कैसे और हो सकता है दोबारा, ये सब चीज़ें मुमकिन है. ऐसा तो नहीं है कि कभी कोई चीज़ रिपीट ना हो. सर, रेखा को मिस करते हैं? नहीं, वो पूछना जी, वो मुझे मिस कर वो मिस करती हैं, अच्छा ऐसे पूछ लेते हैं. वो तो वही बता सकते हैं. ओके, अब आप कोई और मूवीज, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? मूवी के साथ यही है कि बनाने से पहले बताना नहीं चाहिए. हाँ, निश्चित रूप से नज़र लग जाती है. फिर भी आर यू ट्राइंग टू, अभी मैं ये सोच रहा था कि बायोपिक्स की बात कर सकते हैं, बहुत सारे बायोपिक्स बन भी रहे, आर यू थिंकिंग कि बायोपिक्स लाइन पे कुछ करा जाए? आई वॉन्ट टू मेक अ फिल्म और अ सीरीज विच विल बिकम माइल स्टोन फॉर द वर्ल्ड, यू नो व्हाट आई मीन. तो उसमें वाकई काफ़ी डूबना पड़ेगा. इतने साल जो मैंने जो मैं जिया हूँ, जो महसूस किया है, उसको कैसे उसमें डालना पड़ेगा. आज जो मैं दुनिया में खराबियां देख रहा हूं
वो कैसे उससे एड्रेस हो सकती हैं, या जो अच्छाइयाँ मैंने महसूस की हैं वो कैसे उसमें डाली जा सकती हैं। सो फॉर मी इट्स अ बिगर कैनवस, इज़ अ बिगर चैलेंज। अब उसके अंदर से क्या निकलेगा ये तो कहना मुश्किल है कि हम कुछ सोच नहीं रहे हैं, हम जहर है सोच रहे हैं और काम कर भी रहे हैं, लेकिन कब वो ग्रीन लाइट होगी, कब वो इट विल सी द लाइट ऑफ डे, वो एक अलग बात है। नियर फ्यूचर में नेटफ्लिक्स पे हम उम्मीद करें कुछ आप लोग आएगा, आप दुआ करिए तो जरूर आएगा। बिल्कुल, हमारी दुआएं, हम तो चाहते हैं कुछ ऐसा बने जो अवध की शान फिर से निकल गया है। अवध की शान जो है वो इंसान की शान है, इंसान जो है वही मेन चीज है। अगर हम इंसानियत को पीछे कर देंगे तो अवध में क्या बचता है। अवध मशहूर है इंसानियत से, गंगा जमनी तहजीब से, तो जो भी मैं काम करूँगा वो जाहिर है उसकी प्रेरणा अवध से ली गई होगी, लेकिन इस वक्त तो ग्लोबल काम होना चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।